सुपर हैप्पी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और इट्स अ फ्राइडे मॉर्निंग, फाइनली इट्स गोना बी वीकेंड। फॉर अ चेंज मैं आज व्लॉगिंग कर रहा हूँ। स्नेहा और पुचकी सो रही है एंड आई एम प्रेटी मच एक्साइटेड बिकॉज आई हैव अ सरप्राइज फॉर देम एंड दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी सरप्राइज, इट्स गॉन बी बिरयानी। सो आज मैं बिरयानी बनाने जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली पता तो चल जाएगा शाम को जब मैं उठने वाला हूँ, जब मैं मैरिनेशन करके फ्रिज में डालूंगा। सो प्रोबेबली शी विल सी दैट व्हेन शी वेक्स अप एंड इट्स गॉन बी ऑल सरप्राइज। वी लव बिरयानी, आई नो यू गाइज लव बिरयानी, सो प्लीज फॉलो लाइक सब्सक्राइब टू आर चैनल फॉर मोर रेसिपीज, मोर वीलॉग्स दैट वी मेक एंड मोर अमेजिंग कॉन्टेंट्स। ऑलराइट, सो चलिए फटाफट देखते हैं किस तरीके से मैं बिरयानी बनाने वाला हूँ, बिकॉज आई हैव नो क्लू। अभी मैं देखूंगा क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, आई एम गोना सिंपली मेक। कल मैं चिकन लाया था, सो उसको मैं जाके अभी मैरिनेट करने वाला हूँ। लेट्स सी, आई होप इट इज गोइंग टू बी टेस्टी एंड डिलीशियस। सो गाइज, दिस इज द चिकन एंड आई एम ऑल रेडी फॉर द मैरिनेशन प्रोसेस। सबसे पहले तो मैरिनेशन प्रोसेस में मैं डालूंगा कर्ड। आई स्पेशली यूज द मदर डेयरी क्लासिक दही। इसमें खट्टापन होता है बट आई फाइंड इट वेरी फ्रेश। अमूल का मस्ती दही भी यूज करता हूँ बट दिस इज बेटर आई फील। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे पुट सम रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा तीखा बनता है, राइट। देन पुट सम हल्दी, मसाला होना चाहिए बिरयानी में, राइट। वो सब धनिया पाउडर एंड देन आई हैव टू पुट सम सॉल्ट। सॉल्ट इसलिए ज़्यादा होना चाहिए, द रीज़न इज बिकॉज चावल कुक होगा, राइट। सो इट हैज़ टू बी सॉल्टी एज वेल, राइट। और उसके साथ माय फेवरेट, दीज आर होम मेड गरम मसाला एंड दिस इज द डेलिकेसी। यही वो फ्लेवर लाने वाला है। आई एम गोना पुट सम, राइट, एंड दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली इम्पार्ट दैट फ्लेवर। अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर एंड देन चिलीज, माय फेवरेट। थोड़ा तीखापन भी जरूरी है एंड उसके साथ साथ थोड़ा खट्टापन। सो आई एम गोना स्क्वीज सम लेमन्स। इसमें मैरिनेशन बहुत मस्त होता है एंड वी आर गोना प्रॉमिस यू टू गिव यू मोर अपडेट्स फॉर आवर फैमिली विद व्लॉग्स एंड स्पेशली जीवा। ओ माय गॉड, राइट, शी इज ड्राइविंग अस क्रेजी एंड यू गाइस शुड वॉच इट। वेल, द मैरिनेशन इज ऑल सेट, आई जस्ट होप इट इज एब्सोल्युटली ग्रेट। यहाँ पे देखिए इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा कलर है। हो मम्मा का बेबी, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा? मैं नोटी नोटी कर रहा हूँ, ये मेरे ऊपर से होके यहाँ चली गई है। हाँ, क्या कर रहा है बेबी? शैतानी मेरे ऊपर आ गई है, बहुत ज्यादा शैतान हो गया है, बहुत ज्यादा नोटी हो गया हूँ ना मम्मा, मैं बहुत नोटी हूँ। तो गाइज, आपने देखा सुबह अंडम ने ब्लॉग स्टार्ट किया, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज मैंने देखा उठ के कि भाई बिरयानी का प्रिपरेशन इज डन, सो आज बिरयानी बनने वाला है। तो मैं उनके उठने का वेट कर रही हूँ, अभी वो उठेंगे, 3:30 बजे तक उठते हैं, उसके बाद बिरयानी बनाएंगे आज। तो पार्टी। तो हमारा बडिंग ब्लॉगर, आई थिंक उन्होंने अच्छा शूट किया होगा, मैंने देखा नहीं, अभी जब मैं एडिट करूँगी तब मुझे पता चलेगा किस तरीके से वो शूट किया है उन्होंने, क्योंकि वो थोड़े से ना, मुझे लगता है ना, वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं जब व्लॉग वगैरह में ना, थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं उनके। एक्चुअली उनकी हिंदी उतनी अच्छी भी नहीं है, तो इस वजह से भाई मैं बोलती हूँ कि यार ऑफिस में तो आप इतने अच्छे से बात करते हो, पता नहीं व्लॉग के सामने कैमरा के आते शाही हो जाते हैं।
जीवा के पापा के बारे में कुछ नहीं बोलना, सॉरी बेबी, सॉरी सॉरी, नहीं बोल रही, कुछ नहीं बोल रही, नहीं बोल रही, नहीं बोल रही कुछ। सो गाइस, फाइनली हमारे शेफ उठ चुके हैं। हाय, हेलो। तो आज कैसे प्लान किया आपने मेरे को सरप्राइज? पता नहीं, सरप्राइज देने का प्लान किया, अभी नींद आ रहा है बहुत। मतलब क्या करें, प्रिपरेशन कर दी तो बनाना ही पड़ेगा। है ना। तो अभी आपने क्या क्या किया है? फिलहाल के लिए तो इन्होंने अभी कुछ किया नहीं है, अभी बस राइस को पता नहीं इन्होंने धो के क्यों सुखा रहे हैं, देख रहे हैं? बिरयानी राइस को अच्छे से धो के सुखा रहे, तो कि सूखने से थोड़ा सा क्या होता है, फ्लफी हो जाता है। हाँ, मतलब फ्लफी हो जाता है, आधा पक जाता है। एंड ये दिस इज आवर मैरिनेशन, बहुत ही सुंदर लग रहा है, व्यूअर्स देख चुका है सुबह सुबह। हाँ, मेरे को पता चला आपने कुछ किया है सुबह, आपने ब्लॉग स्टार्ट किया। आपका ब्लॉगिंग डेब्यूट कैसा था स्टार्ट? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। वो तो व्यूअर्स पता चलेगा, पता चला आधा स्टार्टिंग करते ही भाग गए होंगे। ना ना, मैंने बोला है स्पेशली सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने के लिए। मतलब उनको पसंद ही नहीं आया, भाग गए। अरे उनको पता है पसंद आएगा, क्यों नहीं आएगा। अच्छा। एक बंगाली जब हिंदी शुरू करता है तो सबको पसंद आता है, क्यों नहीं। मुमिया मिट्टू। तो ये है खड़े मसाले, क्या क्या लिया आपने? इलायची, दालचीनी और लौंग, और इसी तेल में दो टमाटर को अच्छे से इन्होंने ग्रेट कर लिया। ऑल्दो हमारे पास ब्राउन ग्रेवी है, मगर मुझे एक्स्ट्रा टमाटर चाहिए था, बिकॉज थोड़ा सा सटल टेस्ट होना चाहिए बिरयानी का, इसलिए पहले मैं टमाटर पकाऊंगा, उसके बाद ब्राउन ग्रेवी डालूंगा, क्योंकि भैया ब्राउन ग्रेवी ऑलरेडी पका हुआ है। ग्रेवी में प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, सारे मसाले सब कुछ डाला हुआ है, बस इसको डालना है। मतलब ये रेडी टू यूज है, इसके अंदर कोई भी सब्जी डालना है, कुछ भी डालना है, उसी हिसाब से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। टमाटर गया, बेसिकली अंडा को बिरयानी में थोड़ा टमाटर ज़्यादा चाहिए था, इसलिए इन्होंने टमाटर ऐड कर दिया। बाकी ब्राउन ग्रेवी जो बना हुआ है ऑलरेडी, उसको यूज़ करेंगे। अगर आपको चाहिए कि ब्राउन ग्रेवी कैसे बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो अर्नब जरूर से भी शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी हो जाता है वो, जो कुकिंग प्रोसेस है ना, बहुत ही ईजी हो जाता है। ये नहीं कि नॉन वेज वालों के लिए, वेज वालों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। कोई भी सब्जी बनानी हो, मटर पनीर बनानी हो, छोले बनाने हो, सब्जी बनानी हो, गोभी, पत्ता गोभी, कोई भी सब्जी, कोई भी डिश बनानी हो, बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है, मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। इसको फुल आँच में 5-10 मिनट इसे पका लेंगे अच्छे से। तो ये अच्छे से जब पक जाएगा, तेल छोड़ता है ये भी? हाँ, हल्का सा। हाँ, तो तेल छोड़ देगा, उसके बाद हम ब्राउन ग्रेवी ऐड करेंगे, राइट? यस, ब्राउन ग्रेवी में ऑलरेडी जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह सब कुछ है, सो आई डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग। और यहाँ पे हमारी जीवा, इसको सारे टॉयज कुछ पसंद नहीं है, इसको बॉटल बहुत पसंद है, इसे लेसेस बहुत पसंद है, यही पसंद है ना जीवू? मैं टॉय नहीं खेलता। तो ये हमारे टमाटर पक गए हैं, तेल छोड़ दिया उसने, और टमाटर ने तेल छोड़ दिया, टमाटर ने तेल छोड़ दिया। ब्राउन ग्रेवी, ब्राउन ग्रेवी कितना चम्मच डाल रहे हो? 3 हुआ ना, अब जाएगा 4 बिग स्पून, 4 बिग स्पून। इनको अच्छे से इसके साथ कितनी देर पकाओगे? जब तक ये ना तेल छोड़ दे। ये भी तेल छोड़ेगा? हाँ, भी तो पका हुआ था ना। हाँ, बट थोड़ा सा मतलब 2-3 मिनट मैक्सिमम मिक्स कर लेगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देख सकते कितने अच्छे से पक गए। हल्का सा अगर आपको सूखने लगे ना, या फिर चिपकने लगे, तो आप 2-3 चम्मच जितना पानी डालिए और अच्छे से पका सकते हैं। बहुत ही अच्छा पक गया ये, एटलीस्ट 5 मिनट्स हमने पकाया एक दूसरे को साथ में। हाँ, 4-5 मिनट फुल फ्लेम में इन्होंने अच्छे से पका दिया है, बहुत अच्छे से कलर आ गया। अब इट्स टाइम टू ऐड चिकन। तो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है सुबह से एकदम। कितने घंटे हमने मैरिनेट किया टोटल? मतलब 6 घंटे तो आराम से मैरिनेट किया ही है, 6 आवर्स। तो इसको 6 घंटे लगभग मैरिनेशन करने के बाद अभी से अच्छे से डाल दिया, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसालों के साथ। मैं इसको इसी में बना रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली चावल इसी में डालना पड़ेगा मुझे। ओके, तो ये कितने केजी चिकन है? ये 1 केजी चिकन है, ये 1 केजी चिकन है, 600 ग्राम करीब बासमती राइस डालने वाला हूँ। सकते हैं हम 2 लोगों के लिए इन्होंने 1 केजी चिकन बनाया है, और पता नहीं कितने 600 ग्राम चावल खिलाएंगे 2 लोगों को। हाँ, ये मैं मोटी होती हूँ ना आपके वजह से, और क्या, खुश रहते हो ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओवर ईट कर लेते हैं नहीं यार।
नहीं, हाँ फिर से बोलो। हमेशा याद रखना इसमें पानी एक्स्ट्रा पहले कभी नहीं डालना है, बिकॉज इसमें दही है और दही पानी छोड़ने वाला है। ओके सो पहले पानी छोड़ने दो, उसके बाद जितना पानी चाहिए उतने डालने के बाद फिर आप बना सकते हो। देख सकते हैं चिकन ने पानी छोड़ दिया है, ये बिना पानी डाले कितना सारा पानी आ चुका है ऑलरेडी। अभी इसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे हम। हाँ ढक के 5 मिनट करीब पकाएंगे, कम आंच में, फिर उसमें मीडियम आंच उल्टी पाल्टी। हाँ मीडियम आंच में, फिर उल्टी पाल्टी करेंगे इसको। उल्टी पाल्टी, ओके उल्टी पाल्टी। ये तो ये चावल के लिए पानी बनाने के लिए अभी इस पानी में 2 इलायची डाल दिया है तो, और 1 चम्मच चीनी, एक चीज थोड़ा सा ज्यादा ही देंगे, 1.5 चम्मच चीनी। हाँ। थोड़ा चावल हमारा 600 ग्राम कुछ है ना, इस हाँ। वजह से चीनी थोड़ा सा ज्यादा। इस टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है। तो अभी हमने चीनी क्यों डाला पानी में? चीनी और नमक इसलिए टू बैलेंस द टेस्ट, क्योंकि इसमें खट्टापन और तीखा है तो थोड़ा नमक और थोड़ा सा हल्का सा मिठास। कोलकाता बिरयानी मगर नहीं, इसके बाद नहीं है चीनी कोई भी बिरयानी में डालते हैं, बिकॉज जब आप बिरयानी बनाते हो तो इट हैज अ इट शुड हैव बैलेंस। पहले हम लोग सोचते ना चीनी मतलब मीठा, तो अभी अब आज दिमाग में लोगों का चलता है, अभी समझ में आ रहा है बाहर ऐसे ज्यादा खा खुके और देख के खाना बनाने का सबसे थोड़ा सा चीनी डालता है। इट शुड बी बैलेंस ऑफ टेस्ट, और बैलेंस तभी होगा तब थोड़ा सा हल्का सा चीनी इसमें जाएगा, बिकॉज इसमें चीनी नहीं जाएगा तो ये ज्यादा तीखा या खट्टा लगने वाला है, फ्लेवर नहीं आ पाएगा। हाँ फ्लेवर नहीं आ पाएगा, तो फ्लेवर आना चाहिए। सो एंड दिस इज ओनली इन राइस, तो ऑब्वियसली इट विल गेट स्ट्रेन्ड इन वाटर, तो जितना भी हो सके हल्का सा थोड़ा सा यू नो टेस्ट आना चाहिए बस। ओके वी गॉट इट। यस स्टार्टिंग में राइस को जो धो के हमने थोड़ा सा सूखने दिया था, देख रहे हल्का सा फ्लफी हो गया, इससे बहुत अच्छे से पकता है। तो सबसे पहला काम करिए बिरयानी बनाने से पहले इसको धो के थोड़ा सा पानी से अलग रखिए, नहीं तो मोस्टली हम लोग ऐसे नॉर्मल राइस बनाते तो पानी में भिगो के रखते ताकि वो फूल जाए, बट इसमें पानी में अलग रखना होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे चिकन हमारा पक गया और चिकन ने भी पानी छोड़ दिया है, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। जब तक अर्णव बिरयानी बना रहे तो मेरा काम हमेशा ही से होता है रायता बनाना, रायता डिपार्टमेंट मेरा है। तो मैंने दही ले लिया है यहाँ पे बर्तन में, एंड मैं इस बार डाल रही हूँ कुकुम्बर, क्योंकि खीरा था नहीं है तो आप प्याज डाल सकते, नहीं है तो सीधे बूंदी डाल सकते हैं, बिल्कुल अप टू यू। तो मैं इस बार कुकुम्बर प्याज सब डालने वाली हूँ। तो मैंने दही में थोड़ा सा पानी ऐड किया है, यहाँ पे मैंने कुकुम्बर ग्रेट कर लिया और इसको मैं ऐड कर लेती हूँ इसमें। तो अब मैंने ये विस्कर ले लिया चम्मच, वॉज अ बैड आइडिया, अच्छे से ही जो लम्स है हल्का सा वो हट जाए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है, उसको मैं इसमें अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। तो पानी एकदम अच्छे से बॉयल हो गया है, अब हम चावल ऐड कर रहे हैं। फ्लेम हाई रहना चाहिए। अच्छा फ्लेम हाई रखना है, हाई फ्लेम में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पानी बिना डाले बहुत ज़्यादा ग्रेवी हो गया, दिखाओ कितना ग्रेवी एक्स्ट्रा निकाला है आपने। तो ये एक्स्ट्रा ग्रेवी इससे क्या बना सकते हो, खाते हैं ना चावल में। हाँ चावल के साथ आराम से खाओ, इसी से तो मिर्च का सलान बनते हैं। ये मिर्च का सलान बन गया हमारा, और यहाँ पे हमारा चिकन है। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी ऐड कर दिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा मेरे पास जीरा पाउडर बचा हुआ है उतना डाल रही हूँ, एंड उसके बाद मैं डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऑलराइट सो मैं थोड़ा सा सैफरन भी यूज़ करने वाला हूँ, तो हल्का सा गर्म पानी में मैंने ऐसे करके डाल दिया है। चावल हमारे डन हो गए, इसमें हल्का सा थोड़ा पकना बचा है जो बाकी दम में पकेगा है ना। तो इसको आपका चिकन ज़्यादा है तो लेयर्स भी कर सकते हैं आपने, लेयर्स नहीं, लेयर्स का ज़रूरत नहीं है। ओके तो हमारा चिकन सबसे बेस में रहेगा, फिर उसके ऊपर चावल डाल रहे हैं। हाँ तो पकता रहेगा वो। तो अच्छे से ये स्ट्रेनर लिया है ताकि अच्छे से पानी गिर जाए, और उसके बाद सीधे फिर बिरयानी में डाल रहे हैं, मतलब बिरयानी बना रहे हैं, चिकन के ऊपर डालेंगे। राइस इज इन, सर राइस डाल दिया है, अभी हम करेंगे सैफरन का पानी। वाओ, इसके बाद थोड़ा सा अत्तर, सल्टेड घी डाल दिया है थोड़ा सा, और बस दैट्स इट। इसको रखो, फिर हमारे पास थोड़ा सा आटा है, हम इसको थोड़ा सा दम लगाएंगे। जीवा को भी देखना है क्या हो रहा है यहाँ पे, जीवा को पहले प्रायोरिटी दी जाए। यू छाप देखना है,
अब देखेंगे आप भी ठीक रहे अभिषेक। दम लग चुका है एंड उसके बाद अभी फ्लेम ऑन करेंगे। तो फ्लेम हाई फ्लेम में, लो फ्लेम में, लो फ्लेम में। ये दम है ना 15 मिनट लो फ्लेम में रहेगा। तो आटा वाटा नहीं लगाना है, तो एक और आइडिया जो अंडा हमेशा करते हैं मोस्टली, कढ़ाई में पानी भर के उसके ऊपर डाल दो एंड हाँ कोई हैवी चीज बेसिकली, हवा ना निकले जितना कम निकल सके। आज तो मतलब पूरा फुल दम लगा रहे, को घर में बना रहे हो तो आप यू नो यू कैन डेफिनेटली पुट अ हेवी यूटेंसिल विद वाटर, जो मैं करते रहता हूँ एंड आई थिंक मस्त। वो भी परफेक्ट, वो एकदम आसान तरीका है, उसमें भी कोई क्वालिटी में वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको। हाँ आज आटा बचा था बेसिकली, इस वजह से लगा दिए। आटा नहीं होता तो हम हैवी बर्तन रख देते हैं, कोई भी पतीला या कुछ भी ढक्कन के ऊपर, और उसमें पानी भर देते सो दैट वो और हैवी हो जाए। एग्जैक्टली, आपके पास वो जो पत्थर वाला वो होता है पीसने वाला, चटनी बनाने वाला वो है, वो भी रख सकते हैं। तड़का बना लेते रायता का, तो उसके लिए मैंने तड़का पैन में थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, इसको थोड़ा सा गर्म होने देती हूँ। उसके बाद मैंने डाल दिया है राई, दो सूखी लाल मिर्च, इसको थोड़ा सा क्रैकल होने देते हैं। एंड अब मैं डाल दूंगी कड़ी पत्ता, काफी अच्छे से खुशबू आने लग गए। अभी गैस बंद कर लेती हूँ, कड़ी पत्ता हमेशा लास्ट में डाली नहीं तो वो जल जाते हैं। एंड यहाँ पे गया मेरा तड़का, दम भी पकता है क्या? और क्या, ये रोटी जैसा पक जाता है सीधा। वाह एकदम पूरा सुपर हार्ड, जीवा पापा को शाबाशी देते हुए। मेरा मम्मी तो एकदम मतलब आज तक एकदम उंगली चाट चाट के खाएगी। ओह एकदम खिला खिला लग रहा है, एकदम खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसमें हमें थोड़ा सा हल्का सा घी डालना है, घी और डाल रहे हैं just to add flavor। yep look at the color, I'm super happy। okay so finally guys biryani is ready, look at it। yeah look at jeeva, jeeva so excited। going to biryani have first biryani, wow how is it kaisa hai? Show the excitement. Oh my god, look at the excitement, look at the excitement. Yay! और बताओ मुझे। I am going to taste. मैं हाथ से खा रही हूँ। थोड़ा mix कर लो अच्छे से। Yes. Oh my god, Pariksha. कैसा है? Yummy है। है? आज धुआंदार बना है कि नहीं? धमाकेदार। बहुत ही अच्छा, एकदम फ्लेवर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यमी है, एकदम नमक बिल्कुल परफेक्ट। नमक का मेरा थोड़ा सा इशू रहता है, आई वांट नमक टू बी परफेक्ट, क्योंकि नमक से टेस्ट मेरा पूरा खराब हो जाता है, या कितना भी अच्छा हो नमक अच्छा ना हो। तीखा भी मस्त है, सब कुछ ऑसम, थैंक यू। यस फाइनली पास हो चुका हूं मैं, आई जस्ट होप यू नो यू गाइस लाइक द वीडियो एंड स्नेहा विल डू द एंडिंग। मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस, यस मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, सो सी यू गाइस एंड वी विल डेफिनेटली ब्रिंग इन मोर रेसिपीज। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।